ये हमारा एहसान समझो कि हम तुम्हें कबीले वालों से तुम्हारा चेहरा ढांप के लेकर आए हैं, अगर ना लाते तुम्हें कुत्ते की तरह अगर काट के फेंक देते, ये हमारा एहसान समझो तुम। अब इस जंगल के हवाले, अब तुम इधर से बच सकते हो, इन जानवरों से बच सको। नयान, तुम्हें अपनी ताकत पर जोर था, ये अपना जंगल तुम्हारी ताकत उठाएगा। अर्थरुल ने मुझे बहुत अजियत दी है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा, और यह नहीं जानता कि बमसी अब तक मेरी कैद में। बगैर सवारी के मैं आगे का रास्ता किस तरह तय करूंगा? अर्थरुल ने तो मेरा घोड़ा भी जब्त कर लिया, लगता है मुझे अपने दुकाने तक पैदल ही पहुंचना पड़ेगा। जंगल से बाहर निकलने का रास्ता है, शुक्र है मुझे इस भयानक जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है। आ जाओ सिपाही। जी भाई। भाई आपने कैसे मुझे याद किया? हाँ तो सिपाही, नयान के मामले पे तुमसे मशवरा करना था। जैसा कि तुम जानते हो कि नयान को आजाद कर दिए, नयान को आजाद करने के बाद उसे शिकार करने के लिए हमें कुछ तदबीर सोचनी पड़ेगी। ये भाई आपने बिल्कुल ठीक किया कि आपने नयान को नकाब करके उसको कबीले से बाहर निकाला। अगर कबीले के लोग हमें नयान को आजाद करता हुआ देख लेते तो उनके दिमाग में बहुत सारी गलत फहमियाँ पैदा होती, और ये मुमकिन था कि कई लोग हमसे गद्दारी कर लेते। हाँ सिपाही, तो ये मैं जानता हूँ कि नयान एक खूनखार जानवर है जिसने हमारे कबीले पे बहुत जुल्म ढाए और हमारे बच्चों सिपाहियों औरतों को शहीद किया और कबीले को तबाह कर दिया, और ये इसने मेरी नामौजूदगी का फ़ायदा उठाकर इसने ये सब कुछ किया, लेकिन हम इसका बदला ज़रूर लेंगे। फिर अर्थरुल भाई, हम इसके ऊपर किस तरह हमलावर होंगे? हाँ सिपाही, नयान के ऊपर हमलावर होने के और बहुत तरीके हैं। हमारा कबीला सिर्फ इतनी जगह पर आता है, हमने इसको अपने कबीले की पिछली जानिब से रिहा किया है, तो नयान समझ रहा होगा कि हम उसके इसी रास्ते से उसका ताकब करेंगे, लेकिन हम उसका रास्ता बदल कर इस जानिब से जाके एक सिपाहियों का दस्ता इस जानिब खड़ा करेंगे और एक इस जानिब खड़ा करके, और हम इसका ताकब इधर से करके इसके ठिकाने तक पहुंचेंगे। Thank you.
भाई नहीं ढाल लेकर आओ। मशराम ने किया है उसके तहत हमें चलना होगा और ये इस खबर का किसी को कबीले में मालूम नहीं होना चाहिए क्योंकि नयान के जसूस कबीले में घूम रहे होंगे और हम अपने मशरे के मुताबिक अपने अपने वक्त पर उन पर हमला करेंगे। ठीक है भाई। हर बार की तरह फतह हमारी होगी और अब यहाँ से हमारा सफर शुरू होता है। और यकीन है कि अब तक उसने इस जंगल को पार नहीं किया होगा। से अलग होगा मैं उस पे अकेला हमला करूंगा। आज से जुल्म खत्म और इंसाफ कायम हो चुका है। मुकद्दस रूह अर्तुरल के बारे में क्या कहती है?